आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Cl इज। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बताने हैं कि कितने होंगे फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Cl। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5 प्लस 2, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर 0, देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 11 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन इज 1। 10 प्लस 2 इज 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। C6H5Cl के स्ट्रक्चर में कोई भी पाई बॉन्ड या फिर साइक्लिक रिंग नहीं होगी। जितने भी बॉन्ड्स होंगे सारे होंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक ही गिवन है, सबका सेम होगा, एंड जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो होगा डिफरेंट। मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड होंगे डिफरेंट। तो यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स हैं, तो हम पहले 5 कार्बन एटम की लीनियर चेन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम से तो वैलेंसी कंप्लीट होगी, बट जो क्लोरीन एटम है हम उसकी पोजीशन डिसाइड करेंगे। पहले हम लगा देंगे फर्स्ट कार्बन एटम पर। एक बार हमने लगा दिया क्लोरीन एटम को फर्स्ट कार्बन एटम पर, नेक्स्ट हम लगा सकते हैं क्लोरीन को सेकंड कार्बन एटम पर। इसके बाद हम लगा सकते हैं, अब हम यहाँ पर 5 कार्बन चेन फिर से लेंगे। अब इसके अंदर हम थर्ड कार्बन एटम पर लगा सकते हैं। तो क्लोरीन की पोजीशन एक बार हो गई फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। अगर हमने यहाँ पर लगाया फोर्थ कार्बन पर, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो सेकंड पोजीशन होगी, यही हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एंड अगर यहाँ लगाया तो हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब ये हमारे पास 3 पॉसिबल स्केलेटल फॉर्म हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 4 कार्बन एटम की चेन लेंगे एंड एक कर देंगे ब्रांचिंग। अब यहाँ पर जितने भी डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट में कार्बन एटम्स हैं, उन पर हम क्लोरीन एक एक बार बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो दो ग्रुप है, ये दोनों कार्बन एटम्स एक ही कार्बन से बॉन्डेड है जो कि प्रोपाइल कार्बन है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों कार्बन एटम इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उससे 2 कार्बन चेन बॉन्डेड है। देयरफॉर हम इन दोनों में से एक कार्बन पर एक बार क्लोरीन बॉन्ड करेंगे। हमने यहाँ क्लोरीन बॉन्ड कर दिया एक बार फोर्थ कार्बन एटम पर। अब हम यही सेम स्ट्रक्चर लेंगे, 4 कार्बन एटम की चेन, सेकंड कार्बन एटम पर ब्रांचिंग। अब हम इस कार्बन एटम पर एक बार क्लोरीन बॉन्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कार्बन पर कर देंगे एक बारी, 4 कार्बन एटम की चेन लेंगे एंड थर्ड कार्बन एटम पर ब्रांच क्लोरीन बॉन्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर से 4 कार्बन एटम की चेन लेंगे एंड सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग। अब हम यहाँ से फोर्थ कार्बन एटम पर क्लोरीन बॉन्ड कर देंगे। हमारे पास 1 ब्रांचिंग के साथ ये 4 मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे। अब हम क्या करेंगे, 2 ब्रांचिंग करेंगे। हम लेंगे यहाँ पर 3 कार्बन एटम चेन एंड कर देंगे यहाँ पर 2 कार्बन की ब्रांचिंग सेंट्रल कार्बन पर। अब ये जो सेंट्रल कार्बन है ये डिफरेंट है एंड ये जो 4 कार्बन एटम्स है ये सारे सेम एनवायरमेंट में है। ये जो चारों कार्बन एटम्स है ये एक कार्बन से बॉन्डेड है जो कि 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। मतलब इन चारों कार्बन एटम का एनवायरमेंट है सेम। तो हम यहाँ पर एक कार्बन एटम से क्लोरीन की बॉन्डिंग कर देंगे। अब सेंट्रल कार्बन एटम की तो वैलेंसी कंप्लीट है, इससे हम बॉन्डिंग नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर करेंगे कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एंड वी हैव C5H11Cl फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास 11 हाइड्रोजन एटम्स है टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आएंगे एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स, यहाँ 2 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स होंगे कार्बन के 4 क्योंकि सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर आएंगे 3 बॉन्ड्स, यहाँ 2 बॉन्ड्स, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड्स, यहाँ पर 1 बॉन्ड एंड यहाँ आएगा 2 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स, देन 1, 2, 3 एंड यहाँ पर भी आएगा 3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर आएगा 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स एंड 3 बॉन्ड्स। थ्री बॉन्ड्स, यहां पर भी 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स।
वन बॉन्ड एंड यहाँ पर भी वन, थ्री बॉन्ड, वन हाइड्रोजन आटम यहाँ पर वन, एंड देन यहाँ पर मिथाइल कार्बन, सी एच थ्री ग्रुप है मिथाइल कार्बन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आएंगे, थ्री हाइड्रोजन आटम्स यहाँ टू, देन थ्री एंड देन थ्री. हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी फाइव एच इलेवन सी एल. देयरफोर द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी फाइव एच इलेवन सी एल आर एट. थैंक यू. क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.